अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप देख सकते हैं राम की पैड़ी पर लाखों दीपकों से दीपावली मनाई जा रही है। यहां पर बड़ी तादाद में वो भक्तगण जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और ये मनोहारी दृश्य जो है राम की पैड़ी में आपको नजर आ रहा है। सरयू से निकली हुई राम की पैड़ी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग दीपोत्सव कर यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। 500 बरस बाद श्री राम का आगमन हुआ है, उनको अपना घर मिला है और ऐसे में अयोध्यावासी और दूर दराज से आए हुए लाखों लाख लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और हो भी कैसे, आप देख सकते हैं चूंकि जिस तरीके से ये लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और लगता है कि लंबे समय की इनकी खुशियां थी और जिसका इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं साधु संत हो या फिर अन्य श्रद्धालु, सारे लोग यहाँ पर दीपक जलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, यानी दीपावली मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइटों से सजाया गया है राम की पैड़ी को। तो ये भव्य नजारा है अयोध्या का, कुछ ही देर पहले जब भगवान श्री राम यानी राम लला के रूप में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल हुए और संघ के प्रमुख मोहन भागवत समेत तमाम साधु संत, विश्व हिंदू परिषद का वो आंदोलन जो सफल हुआ, तो ऐसे में खुशियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी, नाचते झूमते लोग और दीपावली जैसा नजारा इस समय आपको सरयू तट के किनारे राम की पैड़ी पर अयोध्या में नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आई इंडिया लगातार कई दिनों से अयोध्या के हर रंग को आप तक पहुंचा रहा है। गगनचुंबी लाइटों का नजारा आप देख सकते हैं, अलग अलग रंग में ये गगनचुंबी जो है लाइटें जली हुई हैं, जिसके जरिए आप देख सकते हैं खुशी का इजहार हो रहा है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको लाइट की रोशनी नजर आएगी। और लोग देखिए कितना भक्त में डूबे हुए हैं, प्रभु श्री राम के लिए हाथ जोड़कर इस नजारे को देख रहे हैं कि उनके राम को, उनके लला को आज उनका मकान मिल गया, उनका घर मिल गया और वो खुशी झलक रही है। अभी भी श्रद्धावत हैं कि भगवान आज उनके अयोध्या में आ गए हैं। जानना चाहेंगे माता जी, जरा घूमिएगा इधर, क्या कहना चाहेंगी, क्या इस समय अच्छा लग रहा है मुझे? मैं महाराष्ट्र से आई है, मुझे अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई है? महाराष्ट्र से, दुरिया सातरे। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का दिन है। तो देखिए ये महाराष्ट्र से आई हैं और इन्हें बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। मेरे ठीक पीछे वो नजारा है जिस नजारे को देखने के लिए कहां कहां से लोग आए हैं और वो नजारा आपको नजर भी आ रहा होगा। ये अद्भुत नजारा, ये अच्छा सा दृश्य आपको शायद देखने को ना मिले। अयोध्या से सीधा आपको आई इंडिया दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर खुशी का इजहार हो रहा है। और आज सिर्फ और सिर्फ अयोध्या नगरी में राम 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 और सीता राम, इसी का जप चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि देखिए अब आतिशबाजी होनी शुरू हो चुकी है। आप ये इस नजारे को आप देखते होंगे जब दीपावली का त्योहार होता है। और कहते ये भी है जब वनवास काट कर प्रभु श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे तो यही नजारा उस दौरान का था। और आज कलयुग में फिर से भगवान राम लला को उनका घर मिला है और उसी खुशी का इजहार हो रहा है। अयोध्या से लोग जाना नहीं चाहते हैं, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद बड़े पैमाने पर अयोध्या में राम भक्तों का डेरा लगा हुआ है। देश के कोने कोने से, नेपाल राष्ट्र से बड़े पैमाने पर आए हुए हैं और तमाम जो है साधु संत यहाँ पर आए हुए हैं, उनको रुकने की व्यवस्था अलग से की गई है। ये आम लोग हैं, आम श्रद्धालु हैं जो हर की पैड़ी पर यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आज फूलों की वर्षा भी की गई थी हेलीकॉप्टर से और अब यहाँ पर दीपोत्सव हो रहा है।
वाकई में ये शायद नजारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आई इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से ये जो है यहाँ पर आपको ये दीपोत्सव का त्योहार जैसा नजारा आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देख रहे होंगे कि जो पुलिस प्रधानमंत्री के समय में पुलिस बल तैनात था उससे बहुत कम है, लेकिन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि पुलिस बल कम होने के बावजूद भी इस तरीके का नजारा जहां पर बड़े पैमाने पर लोग हैं और सब कुछ सकुशल संपन्न होता जा रहा है। अयोध्या से डॉक्टर पंकज सिंह गौर।